एक ऐसी सच्ची कहानी जो शायद आपके होश उड़ा देगी। अमेरिका में साल 2005 में एक ट्रक वाला एक कचरे वाली जगह पर कचरा फेंकने गया था, और जब वो ट्रक से कचरा फेंक रहा था तभी उसे एक बैग दिखाई पड़ा, एक ट्रॉली बैग। वो उस बैग के पास जाता है और उस बैग को खोलता है। उसके भीतर ये लड़की निकलती है जिसकी इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं। उस आदमी के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब उसके बाद पुलिस कैसे पता लगाती है कि इस लड़की के साथ दरअसल क्या हुआ था, तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो में। और इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो होता क्या है, सितंबर साल 2005 में एक ट्रक वाला अमेरिका की एक ऐसी जगह जहां पर सारा शहर का कचरा फेंका जाता है, वहां पर ट्रक से कचरा फेंकने गया था। तभी उसकी नजर एक ट्रॉली बैग पर पड़ती है और वो जाकर उस बैग को खोलता है। उसके भीतर ये लड़की निकलती है। वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करता है, और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस सबसे पहले एविडेंस जुटाने की कोशिश करती है जो कि पुलिस को बिल्कुल नहीं मिलते। अब पुलिस क्या करती है, उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो वो ट्रॉली बैग था उसमें एक ऐसा कोड था जिस कोड को लेकर पुलिस उस बैग की कंपनी के पास पहुंची। तो वो कंपनी ने कहा कि देखो ऐसे बैग हम तो नहीं बेचते, वो वॉलमार्ट में बिकते हैं, तो आप वहां जाकर पता कर सकते हैं। पुलिस वॉलमार्ट पहुंचती है, वहां के कर्मचारी से बात करती है, और पुलिस वहां पर देखती है कि उसी तरह के वहां पे कई सारे बैग्स रखे हुए थे। तो वहां के कर्मचारी उस बैग के कोड से जब पता लगाते हैं तो पता चलता है कि रिसेंडो नाम का एक आदमी था जिसने अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया था। वहां के कर्मचारियों ने यह भी बताया कि इसने यहां से डॉक्टर्स वाले ग्लव्स भी लिए थे और भी कई सारा सामान लिया था। उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये वही बंदा है रिसेंडो जो यहां से सारा सामान लेकर जा रहा था। तो पुलिस ने आसपास जब पता लगाया तो गैस स्टेशन के पास में एक होटल था जहां पे ये रुका था। तो पुलिस होटल में पहुंची और होटल के कर्मचारियों से कहा कि मुझे वो कमरा देखना है। तो पुलिस जब उस कमरे में पहुंची तो उन्होंने कई जगह पर देखा कि जमीन पर लाल कलर पड़ा हुआ था। लाल कलर मतलब आप समझ जाओ कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। उसके बाद जब पुलिस ने डस्टबिन को खोला तो उसके भीतर वही ग्लव्स पड़े हुए थे और वो लाल कलर के हो चुके थे। मतलब कि वो लाल क्यों हो गए थे आप समझ जाओ उस लड़की से जोड़कर। तो पुलिस ने अब रिसेंडो को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी, और जब रिसेंडो को ढूंढा गया तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास था। पुलिस ने वहां से इसे उठा लिया, और जब इससे पूछताछ करनी चाहिए तो इसने साफ मना कर दिया। इसने बोला जो भी बातें हैं वो मेरा वकील करेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और इधर क्या हुआ, जो वो ग्लव्स पुलिस को मिले थे उन ग्लव्स को भी उन्होंने डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था, तो वो उस लड़की के डीएनए से मैच कर गए। तो इससे ये तो साबित हो गया था कि इस लड़की को, मतलब कि जिस लड़की का नाम समर ली था, उसको इसी आदमी ने किया है। अच्छा, उस लड़की के बारे में एक बात बताना आपको भूल गया हूँ कि उस लड़की के बारे में जब पुलिस ने पता किया था कि ये लड़की कौन है, दरअसल समरली नाम की जो ये लड़की है, ये लड़की अपना पेट पालने के लिए, पैसे कमाने के लिए वो वाले काम करती थी। अब आप समझ गए होंगे कि वो गलत वाले काम, मतलब कि वो आज किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ है, तो पुलिस के लिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल था। अब पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उनको पता चला कि इसने एक लड़की को और खत्म किया है, और उस लड़की को साल 2004 में ये उसके घर से उठाया था और फिर उसके साथ जो भी कुछ किया आप समझ जाइए। और उस लड़की का भी शरीर जानते हैं कहां मिला था, जहां पे इस लड़की का बैग मिला था ना, कूड़े वाले ढेर पे, उसी कूड़े के ढेर के नीचे एक साल पहले इस आदमी ने एक और बैग फेंका था। अब पुलिस ने खुदाई वुदाई करके वो बैग भी निकाला। अब वहां पे वो लड़की तो नहीं मिली, पर वहां पर कुछ जरूर मिली और जिससे साबित हो गया था कि वो लड़की यही थी। अब कोर्ट में ये काफी दिन केस चलता रहा। बाद में कोर्ट ने इस आदमी को, मतलब कि रिसेंट को, मौत की सजा सुनाई, और साल 2018 में एक पीला इंजेक्शन लगाकर इसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों लड़कियों को इंसाफ मिल गया। तो ऐसे करके पुलिस ने एक तीर से दो शिकार कर लिया और दोनों लड़कियों को जस्टिस मिल गया। अब आप क्या कहना चाहते हो कि इस आदमी को जो सजा मिली वो बिल्कुल ठीक थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर ठोकना। और आखिर मैं यही कहूंगा, जिंदगी में बहुत कुछ चलता रहेगा पर अपने माता पिता का ध्यान हमेशा रखना।